नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक पे एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम साथियों बात करेंगे कीलॉइड के विषय में। कीलॉइड एक ऐसी समस्या है जो एक तरह से बिला वजह हो जाती है। बिला वजह इन द सेंस कि हमारा उस पर कोई बस नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन कीलॉइड हो जाता है और हम इससे परेशान रहते हैं। ना यह लेज़र सर्जरी से जाता है तो टेम्परेरी जाता है, ना ये किसी और इंजेक्शन लगाने से जाता है और ये बहुत परेशान कर देता है। हम आपको बताएंगे कीलॉइड को दूर करने की होम्योपैथी में 10 कारगर दवाएं। निश्चित रूप से ये दवाएं लंबा टाइम लेती हैं, लंबा वक्त लेती हैं होम्योपैथिक दवाएं, लेकिन यह आपके कीलॉइड को ठीक करती हैं। इसमें आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। तुरंत कीलॉइड जाने में कुछ नहीं होना है, लेकिन आप दवा करते रहेंगे तो साल डेढ़ साल दो साल में ज़रूर यह जाएगा, ऐसी पूरी उम्मीद है, क्योंकि होम्योपैथी इसका बहुत बेहतर विकल्प है। सबसे पहले साथियों बताते हैं कीलॉइड होता क्या है। कीलॉइड आपका टिशू, स्कार टिशू होता है, यानी कि कहीं पे आपके चोट लगी होती है, एक शार्प इंस्ट्रूमेंट से कुछ कटता है, वहाँ पर जब स्किन हील होती है तो स्कार टिशू बनता है, वह जब उभर आता है, यानी जब आपका वुंड पूरी तरह ठीक हो जाता है लेकिन वह जो हील करने वाला टिशू है वह बढ़ता रहता है, जब वो कंडीशन आपके हो जाती है तो वही कीलॉइड होता है। जब यह स्कार का टिशू आपका ग्रो करता रहता है स्किन हील करने के बाद भी, तो यहाँ वहाँ पे गांठ ऐसा ये बुरा सा टिश्यू बना लेता है और फिर इसमें इन्फेक्शन भी शुरू हो जाता है, यही कीलॉइड है। इसके साथियों कॉजेज जैसे हमने बताया कि जब जो हील करने वाला टिश्यू होता है कीलॉइड में, वह टिश्यू घाव को भरने के बाद भी ग्रो करता रहता है, वह बढ़ता रहता है, तो वह एक गांठ के रूप में, फ्लैश के रूप में जमा हो जाता है और वही कीलॉइड होता है। सिम्टम्स साथियों, सिम्टम्स है जिसमें से आपको कीलॉइड होगा, आप लोग वाकिफ होंगे कि एक जो हार्ड स्किन होती है, एलिवेटेड स्किन होती है, वह आ जाती है और वही सिम्टम होता है कीलॉइड का। तमाम कारण होते हैं इसके, कहीं पे कान छिदाने को लेके, टैटू बनाने को लेके, काफ़ी चीज़ों से कीलॉइड हो जाता है, लेकिन सिम्टम इसका यही होता है, रेस्ट स्किन, हार्ड स्किन हो जाती है, वो आसपास इचिंग करती है उस एरिया के जहाँ पे कीलॉइड होता है, उसके आसपास की स्किन अलग हो जाती है, आपको अलग महसूस होगी और वह इचिंग करती, चुभन करती हुई महसूस होगी और कभी कभी उसमें पस फॉर्मेशन भी होता है। तो यह सब कीलॉइड के सिम्टम्स होते हैं। अब हम बताएंगे आपको कीलॉइड को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, आपको होम्योपैथी के करीब लाने के लिए, होम्योपैथी के लिए अवेयर बनाने के लिए हैं। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना ले, क्योंकि दवा के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, अगर वो आपके सिम्टम को मैच नहीं कर पाए तो। अब हम आपको बताते हैं कीलॉइड को दूर करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में। सबसे पहले साथियों आपको बताएंगे कीलॉइड को दूर करने की नंबर एक होम्योपैथिक दवा। कीलॉइड को दूर करने की नंबर एक होम्योपैथी दवा, नंबर एक का मतलब मैं जोश में शायद इस तरह बोल रहा हूँ, हेड रेमेडी जो कीलॉइड को ठीक करने की है वह है थायोसिनामिनम। थायोसिनामिनम 3x पावर में आप दो दो टैबलेट दिन में 3 बार किसी भी कीलॉइड को मरीज को दे सकते हैं। आप देखेंगे कि उसका कीलॉइड जितना भी हार्ड हो वक्त के साथ डिजॉल्व होने लगा। तो थायोसिनम 3x इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीलॉइड। यू कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट और यू कैन हैव इट अलॉन्ग विथ अदर मेडिसिन ऑफ कीलॉइड। दिस मेडिसिन विल ग्रेटली हेल्प यू, यह मेडिसिन आपकी बहुत मदद कर देगी। दूसरी जो एक कंडीशन आती है होम्योपैथी में कीलॉइड की पोजिशन में, वह आती है जब आपका कीलॉइड शुरू होता है, कीलॉइड बनना शुरू हुआ, पहले पेशेंट आता है इतना सा छोटा सा कीलॉइड होता है, बेसिकली चेस्ट पे ज़्यादा होता है या कान में होता है इतना सा होता है, तो जब कीलॉइड बनना शुरू हुआ अगर उसी समय उसको रोक दिया जाए जब वो दाने ऐसा होता है तो कितनी अच्छी बात है। और उसको रोकने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ग्रेफाइटिस। आप ग्रेफाइटिस 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं जब आपके कीलॉइड हो, कीलॉइड की शुरुआती स्टेज हो, आपके कॉन्स्टिपेशन रहता हो और आप थोड़े मोटे थुलथुल हों। अगर यह सिम्टम्स आप में हैं तो होम्योपैथी में निश्चित रूप से आपके कीलॉइड के इनिशियल स्टेज पे ही कीलॉइड को ठीक करने की दवा ग्रेफाइटिस है। आप ग्रेफाइटिस 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है कीलॉइड की कि बहुत मोटे कीलॉइड हो गए, मतलब बिल्कुल गुथे हुए कीलॉइड हो गए, उसमें रेंगन ऐसी हो रही है, क्रॉलिंग सेंसेशन हो रहा है,
तो अगर यह स्थिति आपको अपने किलॉइड में दिखे कि उसमें क्रॉलिंग सेंसेशन हो रहा हो, उसमें रेंगन हो रही हो, उस कंडीशन को ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सबेडेला। सबेडेला 32 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें। जब आपके गुथा हुआ किलॉइड हो गया और उसमें रेंगन हो रही हो, उसमें तकलीफ हो रही हो, जलन हो रही हो, खिंचाव हो रहा हो, तो सबेडेला 30 आपके किलॉइड को आराम देगी, आपके किलॉइड को ठीक भी करेगी। वक्त के साथ, वक्त लगेगा लेकिन ठीक होगा। फिर एक स्थिति आती है साथियों, किलॉइड है आपके और उसमें आग ऐसी जलन हो रही, लग रहा आग जल रही है। अगर वह स्थिति आपके किलॉइड में हो रही हो तो उसको, उस स्थिति में उस सिम्टम को और किलॉइड दोनों को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है रेडियम ब्रोम। आप रेडियम ब्रोमेटम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें तो आपके आग ऐसी जलन वाला जो किलॉइड है, पूरे शरीर में जलन हो रही, किलॉइड में भी जलन हो रही और खुजली हो रही है, वह स्थिति ठीक हो जाएगी और आप अपने में राहत महसूस करेंगे। फिर एक स्थिति आती साथियों, जब किलॉइड पेनफुल हो जाते हैं, किलॉइड्स में दर्द होने लगता है। अगर किलॉइड्स पेनफुल हो जाएं, किलॉइड्स में दर्द होने लगे, तो उस कंडीशन में किलॉइड्स को दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सेलिसिया। सेलिसिया 32 बूंद दिन में 3 बार आप ले लें। आप देखेंगे कि जो पेनफुल किलॉइड्स हैं वो ठीक हो गए और किलॉइड्स के अंदर जो पस बन रहा है, थोड़े दिन आप जब ये सेलिसिया को लेते रहेंगे तो आपको किलॉइड से पस भी निकलता दिखेगा, मवाद भी निकलता दिखेगा, वह आपके किलॉइड ठीक होने की एक कंडीशन होगी और आपको आराम देने की भी। तो पेनफुल किलॉइड की सबसे अच्छी दवा सेलिसिया है। आप सेलिसिया 32 बूंद दिन में 3 बार लेकर अपने को आराम पा सकते हैं। फिर एक किलॉइड का एक अपीयरेंस होता है साथियों, जब किलॉइड बहुत अनइवन शेप का हो, एक तो किलॉइड हुआ कि यूं सीधा हो गया, एक हो गया कि यूं यूं करके पूरा ऐसे करके कोई शेप ना हो और वो फैला हो, तो अगर इस तरह का एसिमेट्रिकल शेप का किलॉइड है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा एसिडम नाइट्रिकम है। आप एसिडम नाइट्रिकम 200 पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका किलॉइड ठीक हो गया। बस मैं ये जरूर कहूँगा बार बार ये हर दवा के साथ है कि वक्त काफ़ी लगेगा, तो धैर्य के साथ किलॉइड का जिस भी डॉक्टर से इलाज करें, धैर्य के साथ करें, इसमें समय लगेगा, तुरंत इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन होगा ये अच्छी बात है। फिर एक किलॉइड का कॉज भी होता है होने का और एक कॉमन स्थिति भी होती है कि जब आपके वैक्सीन लगा, जहाँ पे वैक्सीन लगता है खासतौर पे यहाँ या पीछे बटक्स में, हिप्स में, जब आपके वैक्सीन लगता है उसके बाद किलॉइड हो जाता है। तो अगर वैक्सीन लगने के बाद आपके किलॉइड हो रहा है तो इसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है थूजा। आप थूजा ऑक्सीडेंटेलिस 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। अगर बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन हुआ हो और आपके किलॉइड हो गया हो, उस स्थिति में थूजा आपको बहुत फायदा देकर बहुत आराम पहुंचा देगी। फिर एक अल्टीमेट स्थिति किलॉइड में आती है कि कोई दवा काम ना कर रही हो और किलॉइड ना जा रहा हो, तो इसकी भी होम्योपैथी में दवा है। अगर कोई दवा काम नहीं कर रही, हमारे क्लिनिक पर भी होता है, कभी कोई दवा काम नहीं कर रही तो हम लोग फिर ट्यूबरकुलिनम की एक डोज दे देते हैं। ट्यूबरकुलिनम 1 EM की 1 खुराक अगर मरीज को दे दी जाए तो जो उसका रुका हुआ केस है, कोई भी दवा उसमें फ़ायदा नहीं हो रही, तो वो गाड़ी चल निकलती है और उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा दिखने लगता है, कहीं ना कहीं आराम दिखने लगता है किलॉइड के केस में। ये कुछ दवाएँ थी आपके लिए किलॉइड के विषय में। दवा कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही लीजिएगा और धैर्य से इलाज करिएगा। किलॉइड का इलाज वक्त लेता है लेकिन देर है अंधेर नहीं है, किलॉइड में होम्योपैथी से फ़ायदा होता है और होम्योपैथी से ही फायदा होता है क्योंकि उससे रीअकरेंस नहीं होती है। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 94157386 9415786380 या फिर नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन को लिख के हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, भेज सकते हैं हम तक, हम कोशिश करेंगे आपको उसका संतोषजनक जवाब दे दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा ताकि यह जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करके हमारे सबसे नए वीडियो सबसे पहले पाते रहिएगा। आपका हमारे साथ देने के लिए, हमारे साथ लेने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।